रास्ते की तरफ गाइस। ओ जदो अभी हम एक दो बार टुक 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 बच गए हैं। हां बम देख रहे हो कैसे है। जिस टाइप का यहाँ से पत्ती टूटी हुई है और दूसरी हमारे को दिखी नहीं थी बट यहाँ पर जब शॉप पे है तो हमारे को दिख गई है वो भी यहाँ से टूटी हुई है। इस भाई को दिख गई एक शॉप जहाँ पर ये अपना घर बनवा रहा है बाइक के लिए। सो वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर दिल से। सो गाइस जैसे कि आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा कि हम लोग गंसाली में रुके थे। सो आज हमारी जो जर्नी वो कंटिन्यू होने वाली है यहीं से और आज हमारे को एनी हाउस सोनप्रयाग से लेकर अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करनी है। हमारे को आज शाम को ही अपनी जो यात्रा है वो स्टार्ट कर देनी है और यहाँ पे अभी अभी टाइम हो चुका है इस टाइम सुबह के 9 और विशाल बाहर जा चुका है। विशाल बाइक पे प्रॉपर अच्छे से लगेज वगैरह प्रॉपर सेट कर रहा है। उसने मुझे आके उठाया कि भाई काका उठ जाओ सुबह के 9 बज रहे हैं और हमारे को निकलना 7-8 बजे था। बट क्या करें भाई नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम लोग और नाइट में भी थोड़ी बहुत रात को लेट सोए थे। अभी फ़िलहाल ऊपर चलता हूँ और मैं भी पहले सबसे पहले नहा धो लेते हैं उसके बाद ऊपर जाके देखते हैं भाई बाइक उसने बाइक पे सामान वगैरह सही से बांधा है। दैन उसके बाद हम लोग अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं एंड नहा धो के निकलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो मिलता हूँ आपको सीधा आधे रास्ते पर जाकर फर्स्ट फ्लोर लेता हूँ। भाई रास्ते में रुके हैं और इस भाई को दिख गई एक शॉप जहाँ पर ये अपना घर बनवा रहा है बाइक के लिए। झंडा भगवा क्या बोलते हैं भगवा। तो भाई भैया जो है प्रॉपर अच्छे से कर रहे हैं। भैया कह रहे हैं मैं भी दिल्ली में 7 साल रहा हूँ साइड में तो भाई इसको मेरे ख्याल से यहाँ पर लगाएगा 1-2 घंटे यहाँ पर ये। बाकी हम लोग है घनसाली से निकल चुके थे 10 बजे करीब। अभी टाइम हो रहा है 12:15 और घनसाली से ये जो जगह है एक बार मैं जगह पूछ लेता हूँ। भैया क्या जगह थी म्याली म्याली तो भाई म्याली ये जगह पड़ती है जहाँ पर हम लोगों ने अभी स्टॉप लिया है ये जो बनवा रहे झंडा। बाकी हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ा बाइक में थोड़ी ल्यूब वगैरह भी कर लेंगे क्योंकि ब्रेक वगैरह में थोड़ी बहुत सी अभी दिक्कत आ रही है। ब्रेक वगैरह में थोड़ी ग्रीसिंग वगैरह भी करवा लेंगे यहीं पर सामने मैकेनिक की शॉप है। और आगे म्याली अगर मैं घनसाली से बात करूँ तो म्याली की तो टोटल हम लोग आ चुके हैं 55 किलोमीटर। बाकी यहाँ से जो डिस्टेंस रह गया वो रह गया 75 किलोमीटर सोनप्रयाग का। सो भाई मतलब नाना घर तो एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग बोलते हैं भाई हम आज के दिन हम लोग पहुँच जाएंगे बट कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी निकल जाती है जहाँ पर वेदर कंडीशन ख़राब हो जाती है और हमारे को वहीं पर स्टे रहना पड़ जाता है। सो आज फाइनली हम लोग जो अपनी यात्रा जो है वो संपूर्ण तरीके से स्टार्ट कर देंगे। तो भाई सच में स्टार्ट कर देंगे आज हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। सत्य सनातन की जय हो। सो भाई आज अपनी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई फाइनली आज हमारी जो यात्रा है स्टार्ट हो जाएगी और मतलब सोनप्रयाग से पहुंचने के बाद एक हम लोग कहीं अपने स्टे नहीं करेंगे। एक हमारे जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो फ्रेंड तो वो है विशाल का फ्रेंड। सो हम लोग भी मैं भी उससे फर्स्ट टाइम मिलूंगा। सो भाई वो भाई कहाँ से आ रहा है? रेवाड़ी से। नहीं वो भाई का तो है जो भाई आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? रेवाड़ी से। वो भी रेवाड़ी से। तो भाई दोनों भाई दो भाई आ रहे हैं एक रेवाड़ी से आ रहे हैं झज्जर से आ रहा है। सो वो हमारे को मिलेंगे सीधा डायरेक्ट सोनप्रयाग में। उसके बाद से हम हमारी जो चढ़ाई है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई वहाँ पर रूम वगैरह भी ना लेकर सीधा हम लोग जो है चढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि कल भी हम लोग ने घनसाली में 9 घंटे की प्रॉपर अच्छे से नींद ली है। सो भाई अभी फिलहाल फटाफट से यहाँ पर झंडा वगैरह बनाते हैं उसके बाद सीधा निकलेंगे हम लोग अपने सोनप्रयाग की ओर एंड आगे के नज़ारे आप लोगों को बीच में नज़ारे जो है सारे आपको देखते रहेंगे। बाकी यार आज फाइनली वो दिन आ चुके जो हम अपनी चढ़ाई जो है स्टार्ट कर देंगे केदारनाथ बाबा की। और भाई मतलब एक सपना होता है लोगों का वहाँ तक पहुँचने का जिसे कहते हैं एक धरती में स्वर्ग है तो भाई वो चीज़ है केदारनाथ बाबा की। बाकी आपको नज़ारे एक से एक बढ़िया बढ़िया मिलते रहेंगे। फटाफट से यहाँ पर झंडा बनवाते हैं बाइक की थोड़ी बहुत सी लूपिंग वगैरह करवाते हैं उसके बाद विशाल अभी कुछ कहना चाह रहा है। और दोस्तों अरे डट जा और अरे डट जा अबे साले। दोस्तों जो हम बाबा की जो है स्टेटस लगाया करते हैं जय केदार कि एक बार केदारनाथ जाना है वहाँ सपना पूरा होने वाला है और हम जाने वाले हैं। और आज फाइनली हमारे दो धाम जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं और आज तीसरा धाम कम्प्लीट होने जा रहा है भोलेनाथ की कृपा से और आप लोगों की ब्लेसिंग से। ये भी चीज़ बहुत जल्दी कवर हो जाएगी एंड उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरी जो वीडियो पसंद आ रही होगी। बाकी आप ऐसी वीडियो को पूरी कंटिन्यू पूरी अच्छी तरह देखते रहो। आगे की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसमें आपको सोनप्रयाग के बाद कि भाई कितना यहाँ पर अगर आप रूम वगैरह लेते हो कितना फेयर रहता है और पिट्ठू पालकी या जिससे भी जिसके थ्रू आप जाना चाहते हो हेलीकॉप्टर के थ्रू सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिलती रहेगी। तब तक थोड़ा बहुत आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो रास्ते के। सारा का सारा रास्ते ऐसी है रास्ते की तरफ गाइस। ओ जदो अभी हम एक दो बार टुक 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 बचे हैं। बम देख रहे हो कैसे है? ओए ओए गया 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 हेलमेट गया। कोई नहीं ठीक है
भाई ये सीन है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, देख लो एक्सीडेंट होते होते बच्चा हमारा भी गया भाई। क्या गया? मैं भी छोड़ रहा हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? संभाल लूंगा ना हेलमेट वगैरह, थोड़ी दूर पर रहेगा। तो भाई ऐसा कुछ सीन हुआ है, अब भाई की बाइक मैं चलाऊंगा क्योंकि भाई रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। ये भी बाइक चेक कर रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं है। वैसे कुछ हुआ नहीं है क्योंकि हेलमेट पे हद किसी शायद जरूरत आई है क्योंकि ये ज़्यादा नीचे हो गया। तो भाई अपनी बाइक में आ चुका, थोड़ा बहुत माइनर सा इशू, माइनर इशू, अरे माइनर नहीं, मेजर बन सकता था, मेजर बन सकता था क्योंकि भाई केदारनाथ से थोड़ी सी ऊपर, मतलब थोड़ी सी मतलब नीचे ही हमारे जो है बाइक में जो हमने कैरियर लगाया था वो उसकी जो पत्ती वगैरह वो टूट गई। एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसा हुआ है। सो कुछ इस टाइप का यहाँ से पत्ती टूटी हुई है और दूसरी हमारे को दिखी नहीं थी, बट यहाँ पर जब शॉप पे है तो हमारे को दिख गई है, वो भी यहाँ से टूटी हुई है। तो भाई हमारे को वेल्डिंग की शॉप भी मिल गई है और भैया जो है ठीक करने को लगे हुए हैं। विशाल अपना स्नैप बनाने में पता नहीं क्या करने में लगा हुआ है। जा बोलेगी, जा बोलेगी। भाई अपना बाइक को हमने एक सारा सामान यहाँ पर उतार के रख दिया, देखो यहाँ कितना टाइम लगता है। जब भी आप बाइक से करते हो ट्रैवल कहीं भी, और आपने कुछ करवा रखा हो काम उसके अंदर, तो आप हर 100 किलोमीटर पर चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही उसके अंदर? नहीं बिल्कुल भाई, ये चीज तो है, जहाँ गड्ढे वगैरह वहाँ कैरियर वगैरह चेक करने चाहिए। हमारे फर्स्ट टाइम है तो हम लोग ये मतलब प्रॉपर अच्छे से अब हमारे को सारी चीज का नॉलेज हो रही है। बाकी अब ऊपर वाला लगेज वगैरह भी हमारे को खोलना पड़ेगा भैया कह रहे हैं, ताकि प्रॉपर इसको भाई एक बार अच्छे से मेरे ख्याल से उतार के कर ही लें। तो भाई हम पहले अभी टेम्परेरी का सोच रहे थे कि भाई ऊपर से ऊपर से फटाफट कर दो, लेकिन अब पूरा उतार के अच्छे से कर देंगे इसको। नया लिया था, पता नहीं क्यों इशू आया, लेकिन यहाँ गड्ढे बहुत हैं। कोई नहीं, ये तो हो जाएगा ठीक। बाकी तब तक आप थोड़ा बहुत वेट करो, जल्दी यात्रा स्टार्ट होने वाली है हमारी। भाई हमारी बाइक हो चुकी है बिल्कुल रेडी और ठीक उसी के साइड में भाई अगर आपको कैंपिंग लोकेशन चाहिए, अगर आप कैंप बुक करना चाहते हो केदारनाथ के ऊपर, केदारनाथ के भी मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर, 1 या 1.5 किलोमीटर पहले, सो यहाँ पर है देखो केदार हब करके, यहाँ पर आपको कपड़े की दुकान है, इन्हीं की यहाँ पर ऊपर कैंपिंग लगती है। तो यहाँ पर 400 रुपये में इस टाइम पे जो करंट टाइम है, जैसे अभी मैं जैसे इस टाइम जुलाई का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर इस टाइम करंट टाइम पे आपको जो 4 पर्सन का अगर आप पर्सनल टेंट लेना चाहते हो तो आपको वहाँ पर 400 रुपये का पर नाइट का मिल जाएगा, और शेयरिंग लेना चाहते हो तो आपको 100 रुपये का पर नाइट का मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी जो कैंपिंग साइट की लोकेशन जो ओनर है और इस शॉप के जो ओनर है भाई वो ये है विशाल बेस्ट भाई। सो भाई इनका कॉन्टैक्ट नंबर भाई अपना एक बार मुंह जुबानी में बता दो क्या रहने वाला है। 7310578784। बाकी आपके स्क्रीन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। सो भाई को यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कैंपिंग अगर बुक करनी है ऊपर केदारनाथ से 1 या 1.5 किलोमीटर पहले, काफी सस्ते रेट पे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोन प्रयाग में, जिस चीज का हमारे को बेसब्री से इंतजार था। और टाइम हो रहा है इस टाइम पे 5:15 हो रही है भाई, और क्या नाम है हमारे को यहाँ से चढ़ाई आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। हम लोग यहाँ पर रूम वगैरह नहीं ले रहे, बाइक हमारे को ठीक हमारे सामने यहाँ पर हमारी पार्क हो रखी है, जिसका बाइक का चार्ज है 24 घंटे का 100 रुपए, और अगर 0 से 12 घंटे का लगाते तो आप लोग कितना पड़ता है? 50 रुपए। सो भाई हमारे 24 घंटे में शायद 24 घंटे थोड़ा सा ऊपर ही लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर कैंप वगैरह जहाँ पर नीचे मैंने वहाँ पर दिखाया था कि हमारी बाइक जो लद्दाख कैरियर वाला था उसमें जिसमें वाइल्डिंग वगैरह लगाई थी, वहीं से हम लोगों ने कैंपिंग वगैरह बुक कर लिया, जिसकी कॉस्ट हमारे को पड़ी है 400 रुपए। सो अब जाके हमारी जो चढ़ाई है स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग चाहेंगे फिलहाल यहाँ से टैक्सी स्टैंड पर, वो भी आपको दिखा दूंगा कहाँ पर है, और वहीं से हमारी जो यात्रा है 3 या 4 किलोमीटर पर जहाँ से हमारे को वो छोड़ते हैं, उसके बाद हमारी जो यात्रा है वो स्टार्ट हो जाएगी। चलो अभी फिलहाल यहाँ से आगे चलते हैं, टैक्सी वगैरह लेते हैं ताकि हम भी लेट ना हो जाए। वेदर अभी बिल्कुल साफ है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है, हमारे को कहीं भी ऊपर आते हुए बारिश नहीं मिली है। अभी ये जो सामने दो नदी का आप संगम देख रहे हो, एक हो रहा है मंदाकिनी नदी का संगम और दूसरी तरफ से आ रही है सोन गंगा। सो यहाँ से दोनों का संगम होता है और आगे बहती चली जाती है। बाकी चलते हैं अभी जो अपनी यात्रा जो वो कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग सोन प्रयाग में ही हैं, सोन प्रयाग से हम लोग 500 मीटर आगे आए हैं, जिसमें हम लोगों ने खाना भी खा लिया और फ्रेश वगैरह अभी होना बाकी है। विशाल जो है कपड़े वगैरह खरीद रहा है, उसको टी शर्ट्स वगैरह पसंद आ रही है। तो कौन सी भाई पसंद करी है? ये लूँ का भाई, थोड़ा और डिफरेंट कलर नहीं है, है? तो ऐसा कर
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो लो भाई बैग रख रहे हैं आप। हम लोग सोनप्राग से जस्ट 500-600 मीटर ऊपर आते ही हम लोग, राहुल यहाँ पर, गौतम भाई ने भी बैग रख दिया अपना ऊपर, और यहाँ पर जो फेयर है 50 रुपए पर बंदे का। और भाई ये बंदे दोनों लड़ रहे हैं, देखो धोखा हो गया, गेट नहीं खुल रहा। 50 रुपए यहाँ पर फेयर है आपको टैक्सी का, 50 रुपए फेयर मिल जाएगा, शेयरिंग टैक्सी है। तो यहाँ से हमारे को सीधा जाना होगा गौरीकुंड। बैग वगैरह हमारे ऊपर सारे लग चुके हैं, इन भाई ने लगा दिए। और ये देखो, ये कह रहा है ऊपर, ये देखो इसकी हरकत है, देखो ऊपर आने की। ये पुनीत का, ये पक्का पुनीत का फैन है। तो पुनीत सुपरस्टार का फैन है। तो गाइस अब हमारी जो है यात्रा संपूर्ण तरीके से शुरुआत हो रही है, और हम लोग अभी जो टैक्सी वगैरह में बैठ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं गौरीकुंड में जो हमारी रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी वहाँ पर चेकिंग होगी। सो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितनी देर में चलते हैं यहाँ से टैक्सी। स्टार्ट होता है केदारनाथ का ट्रैक, ठीक यहाँ से जो नीचे सोनप्रयाग से अगर आप आते हो तो वहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ती है। टैक्सी के फेयर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 रुपये रहने वाले हैं, और 50 रुपये सीधा आपको यहाँ से सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक लेके आते हैं। सो गौरीकुंड ये पूरा जो आप देख रहे हो पूरा टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से गाड़ी आपको छोड़ेगी और ठीक यहाँ से स्टार्ट होता है केदारनाथ बाबा जी का ट्रैक। हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। बाकी अगर मैं खच्चर की बात करूँ तो भाई खच्चर का यहाँ पर रहने वाला है इस टाइम पे फेयर, क्योंकि सीज़न अभी मतलब रश थोड़ा कम है, तो यहाँ पर ये लोग चार्ज कर रहे हैं 2950 रुपये, और यहाँ पर पालकी का चार्ज रहने वाला है प्लस 10,000 रुपये, 10,000 से ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मुझे बताया कि भाई इनके आप मिनिमम मान के चलो 10,000 रुपये, और ऊपर आप उससे लेते हो तो बाकी सब डिपेंड करता है सारा वेट के ऊपर। बाकी खच्चर का मैंने आपको चार्ज बता दिया, इस टाइम चल रहा है 2950 रुपये। और फिलहाल मेरे साथ जो इस टाइम पे जुड़ रहे हैं भाई, वो है अपने विशाल भाई के दोस्त, जो मैं एक बार उनसे भी मुलाकात कराया था। भाई कौन है हमारे साथ? यहाँ पर दो बंदे जुड़ चुके हैं, बैग मेरे सामने कह सकते हो, एक मेरा ये वाला बैग पकड़ा हुआ है, दूसरा बैग मेरा ये है जो मैं ये साथ लेके चल रहा हूँ। बैग भारी है बट हम लोग एडजस्टमेंट करके चलेंगे, कभी कोई बैग पकड़ेगा कभी कोई बैग पकड़ेगा, क्योंकि सामान काफ़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बट हमारे को ये सारी ज़रूरतमंद वाली चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो कैंपिंग वगैरह करेंगे ऊपर, जहाँ हमने कैंपिंग वगैरह बुक करी है वहाँ पर, एक तो जैसे कि आप, मैं आपको एक बार ये चीज़ भी बताया था कि आप यहाँ से नीचे से जो आप कुछ भी परचेज़ करते हो उसके जो प्राइजेज़ हैं वो डबल हैं, डबल रहने वाले हैं। सो हम लोगों ने पहले ही सोनप्रयाग से पहले ही एक रास्ता पड़ता है, एक गाँव पड़ता है, वहाँ से हम लोगों ने सारा सामान परचेज़ कर लेता है, मैगी वगैरह, क्योंकि हम लोग सारी कैंपिंग के अंदर ये सारी चीज़ें बनाने वाली, और आपको ये वीडियो में दिखने वाला है। सो फाइनली अब अपनी जो ट्रैकिंग की जो शुरुआत होने वो यहाँ से होने वाली है। और जैसे कि मैं बात कर रहा था, मेरे साथ हैं ये गौतम भाई जो विशाल के दोस्त हैं, और तो भाई ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लस हमारे साथ जो दूसरे भाई हैं वो विशाल के साथ हैं, वो पीछे खड़ा हुआ है, मैं उनसे भी मुलाकात कराऊंगा भाई कौन रहने वाले हैं। सो फिलहाल चलो शुरुआत करते हैं अब अपनी यात्रा की, एक बार जयकारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय, एंड भगवान करे हमारी जो यात्रा वो मंगलमय रहे। और अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लान कर रहे हैं मेरी वीडियो के बाद आने का, तो आपकी यात्रा भी मंगलमय रहे। भाई जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले गौतम भाई से मिलवाया था जो विशाल भाई के दोस्त हैं, वो भी रेवाड़ी से ही हैं। बाकी अपना ये दूसरा भाई है, यह भाई भी रेवाड़ी से आज ही चल के आया, हमारे को आज ही हमारे साथ मुलाकात हुई है वीडियो में। तो भाई एक बार अपना नाम बता दो, क्या है? राहुल शर्मा भाई, पंडा जी। राहुल भाई का नाम है राहुल। तो भाई ने, हम लोग जब अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे तो भाई ने बोला भाई यहाँ से गौरीकुंड का रास्ता जाता, तो क्या नहाओगे नहीं क्या एक बार? तो भाई उसके बाद हम लोग, हमारा भी मन बन गया, क्योंकि भाई जहाँ हमारे को झरना दिखता है, ऐसे गर्म कुंड दिखता है, हम लोग वहाँ पर नहाते ही नहाते हैं। मैं और विशाल, मतलब हमारे को 6 दिन हो गए अपने घर से निकले हुए, अपना आदत सी बढ़ गई है, जहाँ झरना दिखता है जहाँ गर्म कुंड दिखता है हम लोग वहाँ नहाने चले जाते हैं। भाई सबसे बड़ी बात नहीं बता रहा, पाप इतने कर लिए कि धोने के लिए बारों नहाना पड़ रहा है हमारे को। सही में भाई, ये कर्म भूमि है, सही के पाप यही छोड़ जाने, हमने लेके नहीं जाने। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई ये भाई भी देख रहा खुश हो रखा, जैसी ये झरना देखती ना, राजा बोला कि झरना देखती है ये बंदा खुश हो जाता है। और ठीक हमारे यहाँ से बह रही है मंदाकिनी नदी, सो अभी और ठीक हमारे सामने यहाँ पर गर्म कुंड, और यहीं पे हम लोग करेंगे स्नान। स्नान करने के बाद हम लोग अपनी यात्रा दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन भाई क्या करें, हर मोड़ पर नए नज़ारे हैं और हर जगह एक नई इन्फॉर्मेशन, और मैं नहीं चाहता कुछ चीज़ ऐसे इसमें स्किप हो जाए। यात्रा के दौरान मैंने आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ कि भाई कैसे कैसे आप लोग यात्रा कर सकते हो। आप गौरीकुंड पहुंच जाते हो तो भाई आपको यहाँ पर सिर्फ खच्चर मिलेंगे, सिर्फ एक यही एक चार है जहाँ पर आप खच्चर ले सकते हो। अगर आपको हेलीकॉप्टर वगैरह बुक करें तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, फेयर्स वगैरह आपको ऑनलाइन सारे चेक मिल जाएंगे। अगर मैं हो सकेगा तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो फिलहाल स्नान करते हैं।